उत्तराखंड में 12 जुलाई से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। राज्य में सर्वप्रथम विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को शुरू किया गया है। साथ ही विद्यालय शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी। बता दें कि शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं राज्य के समस्त जनपदों में विकास खंड स्तर पर चिन्हित आंगनबाड़ी केंद्रों में वृहद रूप से बाल वाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उद्घाटन किया, जिसमें शिक्षाविद, अभिभावक और छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से प्रथम चरण में शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संचालित 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में NEP के तहत बाल वाटिका कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूबे में 20,067 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 20,017 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 14,555 आंगनबाड़ी वर्कर्स तैनात हैं। MKN न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति के उत्तराखंड में लागू होने के अवसर पर और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण एवं SCERT भवन का शिलान्यास, इसके शुभ अवसर जो लगातार पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम करने वाले और नए नए नवाचार करने में, जैसे आज शिक्षा नीति लागू करने में पहला स्थान उत्तराखंड को मिला है, ऐसे ही हर सेक्टर में हमारे राज्य के उसके विभागों को एक अच्छा स्थान मिले, प्रथम स्थान मिले।